हेलो लर्नर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे अबाउट एंशियंट एजुकेशन, रादर वैदिक एजुकेशन का। सो अगर हम एंशियंट एजुकेशन की बात करें तो वी जनरली स्टडी अंडर द हेड्स ऑफ वैदिक एजुकेशन एज वेल एज बुद्धिस्ट एजुकेशन। सो वैदिक एजुकेशन स्टार्टेड अराउंड 3rd century BC एंड बेसिकली ओरल फॉर्म ऑफ एजुकेशन वॉज बीन यूज्ड। पाम लीव्स वॉज यूज्ड फॉर राइटिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले किया जाता था चिंतन पे, दैट इज़ थिंकिंग। Education was imparted in temples, पाठशालास, गुरुकुल्स एक्सेट्रा। एंड हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे थे वो विहार और यूनिवर्सिटी जाया करते थे। नॉलेज को दो ब्रॉड स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया था, पराविद्या एंड अपराविद्या। सो पराविद्या वॉज हायर नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम एंड अपराविद्या वॉज लोअर नॉलेज एंड सेक्युलर साइंसेस। एम ऑफ वैदिक एजुकेशन या एंशियंट एजुकेशन की अगर हम बात करें तो देर वॉज लॉट ऑफ एम्फेसिस गिवन ऑन अटेनमेंट ऑफ मोक्ष, कैरेक्टर फॉर्मेशन, रिलीजियस एजुकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोशल ड्यूटीज, होलिस्टिक डेवलपमेंट, वोकेशनल एम, दैट इज एजुकेशन फॉर वर्ल्डलीनेस एंड प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन टर्न्स आउट टू बी यूजफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। Thanks for watching.